1 टेबलस्पून चिकन तंदूरी मसाला, नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार, साथ ही साथ हमने यहाँ कसूरी मेथी ली हुई है और हमें चाहिए 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून हम कर्ड लिया है हमने, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी चाहिए होगी हमें, ये हम 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। साथ ही साथ हमें चाहिए लेमन जूस और हमने यहाँ पे हरा मसाला लिया है। इस हरे मसाले को बनाने के लिए मैंने 4 हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना और जीरा, इन चारों चीजों को साथ लेकर अच्छे से उसे ग्राइंड कर लिया है। और साथ ही साथ मुझे चाहिए यहाँ पे बेसन का आटा। इस बेसन के आटे को मैंने रोस्ट कर लिया है और अब हम इसे यूज करेंगे। तो ये सब इंग्रेडिएंट जो हमने लिए हैं वो हमने 1.5 kg चिकन के लिए लिए हैं। तंदूरी चिकन के लिए हमने यहाँ पे लेग पीस लिए हैं और चिकन के बड़े पीसेस लिए हैं। और साथ ही साथ हमें चाहिए होगा रेड फूड कलर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा मैरिनेशन। तंदूरी चिकन को हम 2 स्टेप में मैरिनेट करेंगे। पहले स्टेप में हम लेंगे लेमन जूस लेंगे हम। देखिए लेमन जूस लिया है मैंने। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे हम और रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे हम। कोट कर लेना है और इस मसालों के साथ में हमें हमारी चिकन 15 मिनट्स के लिए मैरिनेट करनी है। चलिए यहाँ हमने जो चिकन लिए है, लेग पीसेस जो लिए है उसे मैंने ऐसे कट मार लिए है, देखिए इस तरह से, ताकि जो भी हमारे मसाले हैं पूरे अंदर तक पेनिट्रेट हो जाए, पूरे अंदर से उसका फ्लेवर अंदर से भी पूरे चिकन को आना चाहिए, इसलिए हमने इसे कट्स मार लिए हैं चिकन को, आप देख सकते हैं। और अब इससे हम हमारी चिकन को इस तरह से पहले मैरिनेट से कोट करेंगे हमारी चिकन को इस तरह से। आप भी अपनी पूरी चिकन को कोट कर लीजिए, देखिए इस तरह से हमें करना है। ये हमने हमारा फर्स्ट मैरिनेट कर लिया है, अब इसे हम 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे। अब हमारी चिकन 15 मिनट्स के लिए मैरिनेट हो चुकी है, अब इसे हम सेकेंड मैरिनेट लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकेंड मैरिनेट। सेकेंड मैरिनेट के लिए हम देंगे जिंजर और गार्लिक की पेस्ट, साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर अब हमें थोड़ी ही ऐड करनी है, मैंने 1 टीस्पून ऐड किए यहाँ पे, क्योंकि हमने पहले भी रेड चिली पाउडर यूज की हुई है और यहाँ पे हम ग्रीन मसाला भी यूज करने वाले हैं, तो ये हम ऐड करेंगे मसाला। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन तंदूरी मसाला, गरम मसाला पाउडर, गरम मसाला पाउडर के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा रोस्टेड बेसन का आटा। ये हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि इससे हमारे मसाले अच्छे से चिकन पे बाइंड हो जाए। और नमक डालेंगे हम इसके बाद, नमक ऐड करेंगे हम स्वाद अनुसार और साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे हम कसूरी मेथी। अच्छे से मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है, देखिए हमें कर्ड को अब कर्ड के साथ इन पूरे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड फूड कलर और इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम हमारी चिकन को कोट करेंगे इस मसालों के साथ। तो चलिए
ये देखिए इस तरह से हमें पहले ये जो कट्स हमने लगाए हुए हैं उसमें हमें हमारे मसाले को फिल करना है ताकि जो फ्लेवर चिकन का है मसालों का चिकन का आए वो बहुत ही बेहतरीन आएगा। हमारी पूरी चिकन अच्छे से कोट कर ली है हमारे मसालों के साथ और अब हम इसे रेफ्रिजरेट करेंगे। तो इस मैरिनेट को हम कम से कम हमें 2 घंटे तो रेफ्रिजरेट करना है, तो चलिए इसे मैं 2 घंटों के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देती हूँ। अब ये हमारी तंदूरी चिकन मैरिनेट हो गई है और अब हम इसे बारबेक्यू पे